भारत के लोग क्रिएटिव नहीं है, वो दुनिया में अपना नाम ही नहीं कमा सकते, इसलिए भारत कभी सुपर पावर बन ही नहीं सकता। हमारे देश का ऐसा क्रिटिसिज्म आपने तो सुना ही होगा। एक दिन एप्पल के को फाउंडर ने भारत के लोगों को ऐसे ही क्रिटिसाइज किया था और तब आनंद महिंद्रासन ने उन्हें एक बढ़िया जवाब दिया था। ये है उस छोटे से इंसिडेंट की कहानी जिससे हम सबको कुछ ना कुछ सीखने जैसा है, और आज की इस वीडियो में हम आपको उनके सक्सेस का मंत्र बताने वाले हैं। उससे पहले हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। आनंद महिंद्रा को तो आप एक बिजनेसमैन के रूप में जानते होंगे, लेकिन आज मुझे आपको उनके कैरेक्टर का एक अलग पहलू दिखाना है, वो पहलू जो उनके सक्सेस का भी फ्यूल है। महिंद्रा के चेयरमैन होने के साथ साथ आनंद सर एक प्रैक्टिकल पैट्रियट भी है। लेट मी एक्सप्लेन यू। 2018 में स्टीव वोजनिक, जिन्होंने स्टीव जॉब्स के साथ एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी, वो दिल्ली में थे। उन्होंने भारत के लोगों के बारे में एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा, भारत के लोग पढ़ाई में अच्छे हैं और MBA वगैरह करके अपने लिए मर्सिडीज खरीद के लाइफ में सक्सेसफुल तो बन सकते हैं, लेकिन इंडियंस क्रिएटिव नहीं होते हैं। ये बात सुनकर आनंद महिंद्रा सर को कुछ गलत लगा, क्योंकि अगर क्रिएटिविटी ना होती तो महिंद्रा एक सिंगल प्रोडक्ट कंपनी से 11 इंडस्ट्रीज में ऑपरेट ना कर पाते। अगर क्रिएटिविटी ना होती तो 100 देशों में महिंद्रा अपना नाम नहीं बनाते। अगर क्रिएटिविटी ना होती तो महिंद्रा पूरे वर्ल्ड में 2 लाख से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट ना दे पाता। आनंद महिंद्रा सर ने रिप्लाई में कहा, मुझे ऐसे कॉमेंट सुनकर बहुत खुशी होगी, क्योंकि फिर हमें चांस मिलता है ऐसे स्टीरियोटाइप तोड़ने का और आपको गलत साबित करने का। भारत फिर से जरूर आएगा, हमें आपको एक अलग भारत से मिलाना है। ये रिप्लाई काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शायद उनकी जगह पे कोई और होता तो कहता, यू नो नथिंग अबाउट इंडिया। जब आपका देश एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तब हमारा कल्चर सबसे आगे था। नोबडी आस्क फॉर योर ओपिनियन। लेकिन महिंद्रा सर ने क्रिटिसिज्म को एज ए चैलेंज लिया। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में पॉजिटिव अप्रोच रखना ही आनंद महिंद्रा सर को स्पेशल बनाता है, और इसका प्रूफ हमें महिंद्रा की सक्सेस में साफ साफ दिखाई देता है। चलिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं। भारत को 1947 में आजादी तो मिली, लेकिन फिर भी हमारा देश कई बेड़ियों में बंधा हुआ था, और इस बार की लड़ाई किसी पराये से नहीं थी, हमारी खुद की सोशल प्रॉब्लम से थी। फ्रीडम तो था, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं थी। लेकिन भारत तो फाइटर्स का देश है, और इस लड़ाई के फाइटर बंदूक से नहीं अपॉर्चुनिटी से भारत को आजादी दिलाना चाहते थे। इन 1991 वी ओपन अप द इकोनॉमी। मार्केट में इंटरनेशनल प्लेयर आ रहे थे और भारत की कंपनीज को टफ कंपटीशन दे रहे थे। उसी साल आनंद महिंद्रा सर महिंद्रा ग्रुप के डिप्यूटी चेयरमैन बने। उन्होंने महिंद्रा को एक ग्लोबल लीडर बनाने का चैलेंज लिया। फोर्ड नाम की अमेरिकन कार कंपनी भारत के इमर्जिंग मार्केट को कैप्चर करना चाहती थी। महिंद्रा ट्रैक्टर्स बनाना चाहता था, तो फोर्ड ने एस्कॉर्ट गाड़ी के प्रोडक्शन के लिए महिंद्रा से पार्टनरशिप करनी चाहिए। तब आनंद सर ने कहा, भारत के हाथों से ज्यादा भारत के दिमाग को यूज कीजिए, प्रोडक्शन यूनिट के साथ साथ यहाँ एक RLD फैसिलिटी भी शुरू कीजिए, ताकि भारत की सड़कों के लिए ऑप्टिमाइज गाड़ियाँ बने। लेकिन फोर्ड के एग्जीक्यूटिव्स ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया। ऐसे सिचुएशन में अगर और कोई होता तो उसे इंसल्ट समझता, लेकिन आनंद महिंद्रा सर ने इसे एक अपॉर्चुनिटी समझी। इसी आइडिया के दम पर उन्होंने खुद रिसर्च शुरू किया और भारत की सबसे सक्सेसफुल SUV स्कॉर्पियो लॉन्च की। नेगेटिव एक्सपीरियंस को एक पॉजिटिव आउटपुट में बदलने की ताकत जिसमें है, वो एक चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी बना सकता है। बट वेट, नेपोटिज्म के लिए भारत का काफी क्रिटिसाइज होता है, राइट? लेकिन आनंद महिंद्रा सर ने अपनी कंपनी में एक अलग ही पॉलिसी अपनाई है। वो मानते हैं कि उन्होंने एक नहीं कई ऐसे लीडर बनाए हैं जो फ्यूचर में उनकी जगह ले सकते हैं। उनका सक्सेस उनकी फैमिली से हो ऐसा जरूरी नहीं है। वो कहते हैं, अगर कल मुझे कुछ हो गया तो बोर्ड डिसाइड कर सकता है कि मेरी जगह किसे लेनी चाहिए। मैंने मेरा पर्सनल प्रिफरेंस एक एनवेलोप में लिखकर छोड़ दिया है। सोचिए, अगर हर लीडर ऐसा ही हो तो फिर वो एक चैलेंज के साथ कह सकता है कि सक्सेस टैलेंट की वजह से आता है, आपके लास्ट नेम की वजह से नहीं। एक लीडर का काम यही तो होता है। इतनी बड़ी कंपनी चलाना एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट करना जैसा होता है, जहाँ एक लीडर का असली काम अच्छे म्यूजिशियन को ढूंढना होता है जो अपना काम करना जानते हो। बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, फिल्म में हम इसका अपोजिट ही देखते हैं। ऐसी एटीट्यूड की वजह से भारत की ये कंपनी केनिया से लेकर कनाडा और अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया हर जगह भारत का नाम रोशन कर रही है। और हाल ही में उन्होंने अग्निपथ से रिटायर्ड अग्निवीरों को जॉब देने का वादा भी किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो भारत में क्रिएटिविटी है या नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन हर क्रिटिसिज्म का जवाब क्रिएटिविटी देने वाले लोग जरूर है, ये मुझे पता है।